नमस्ते, आज हम एक विशेष मंदिर के बारे में बात करेंगे जिसे हम्पी भूमिगत शिव मंदिर या प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर कहा जाता है। ये हम्पी नामक स्थान पर स्थित है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष स्थान है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हम्पी में एक पुराना मंदिर है जिसे प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर कहा जाता है। ये बहुत समय पहले बनाया गया था जब विजयनगर साम्राज्य नामक लोगों के एक समूह ने उस क्षेत्र में शासन किया था। मंदिर मुख्य सड़क के पास है जहां हम्पी में बसें रुकती हैं और कुछ फैंसी घरों के बगल में जहां महत्वपूर्ण लोग रहते थे, एक अन्य मंदिर के बाद जिसे चंडिकेश्वर मंदिर कहा जाता है। प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में एक बहुत पुराना मंदिर है जिसे बहुत समय पहले बनाया गया था जब विजयनगर साम्राज्य नामक लोगों का एक समूह प्रभारी था। यह एक सड़क के पास स्थित है जो बस स्टेशन और एक अन्य मंदिर को जाता है जिसे चंडिकेश्वर मंदिर कहा जाता है। हम्पी आने वाले बहुत से लोग इस मंदिर को देखना पसंद करते हैं। इसके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसे आंशिक रूप से भूमिगत बनाया गया है। मंदिर का शीर्ष आज जमीन के समान स्तर पर है, लेकिन मंदिर का मुख्य भाग वास्तव में नीचे है। मंदिर का पवित्र भाग हमेशा पानी से ढका रहता है जो हिलता नहीं है। जब बहुत बारिश होती है तो पानी और भी अधिक हो जाता है और मंदिर के फर्श को और भी अधिक ढक लेता है। इसका मतलब है कि बारिश के मौसम में लोग मंदिर के कुछ हिस्सों में नहीं जा सकते हैं। लेकिन भगवान शिव को मानने वाले लोगों के लिए जल महत्वपूर्ण है। मंदिर बहुत समय पहले बनाया गया था और यह भगवान शिव के एक रूप को समर्पित है। यह एक सुंदर जगह पर है और शायद अतीत में महत्वपूर्ण लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। मंदिर के निर्माण की एक विशेष शैली है और इसमें पूजा के लिए अलग कमरे और क्षेत्र हैं। लेकिन मंदिर पुराना है और इसे ठीक करने की जरूरत है। गर्मियों के दिनों में आप मंदिर के कुछ हिस्सों में जा सकते हैं, लेकिन मंदिर के बीचों बीच हमेशा पानी रहता है। जब बहुत बारिश होती है तो जल स्तर अधिक हो जाता है और मंदिर में कहीं भी जाना मुश्किल हो जाता है। मंदिर में खंभे फैंसी नहीं हैं, लेकिन पानी में चलना और मंदिर के अंधेरे मध्य भाग में जाना रोमांचक हो सकता है। वहां चमगादड़ रहते हैं और वे इधर उधर उड़ते रहते हैं।